हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सिराज अहमद और आप देख रहे हैं एफर्ट करियर क्लासेस के चैनल को। वीडियो बहुत केयरफुली देखना है आपको और अच्छे से इसको ध्यान देना। कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं जो खास करके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। ओके, जैसे कि मान लिया अगर जो इसके बारे में केमिस्ट्री के नॉमेनक्लेचर के बारे में मैं बता रहा था, जो पिछले आपको अगर पता नहीं हो तो आप वीडियो मेरे देख सकते हैं पिछले वीडियो को, तो उसमें से कुछ पॉइंट्स और आगे के लिए मैं बढ़ाना चाह रहा हूँ। ठीक है, उसमें नॉर्मल बना दिया बता दिया था, आईएसओ का कंडीशन बता दिया था और टर्सरी का नियो का कंडीशन बता चुका हूँ। ठीक है, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। वो अलग अलग कुछ वीडियोस में पार्ट में होगा, आप देख सकते हैं उसको। ये इस वीडियो में जो हम बताने जा रहे हैं वो ईथर और कीटोन के बारे में बताने जा रहे हैं। ठीक है, नॉमेनक्लेचर के बारे में कैसे लिखते हैं कॉमन नेम के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो लिखना होगा ईथर एंड कीटोन, ईथर एंड कीटोन। ओके, ईथर एंड कीटोन, ईथर एंड कीटोन के बारे में ध्यान देना है। ईथर जो होता है ये इसको O से डिनोट किया जाता है और कीटोन को CO से डिनोट किया जाता है। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O और ये बॉन्ड दोनों तरफ कार्बन के साथ में चार इसकी वैलेंसी होनी जरूरी है। ठीक है, कार्बन की चार वैलेंसी होनी चाहिए और ऑक्सीजन के पास यहाँ पे दो बॉन्ड यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में होनी चाहिए। इसको दूसरी तरह से कैसे लिख सकते हैं, CO इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये और है समझिए, इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, तो इसके लिए जो नॉमेनक्लेचर लिखना होगा वो दो कंडीशन में लिख सकते हैं। एक तो होता है सिमेट्रिक लिख सकते हैं, दूसरा होता है पहला सिमेट्रिक, दूसरा होगा अनसिमेट्रिक। ओके, सिमेट्रिक में क्या होगा, सिमेट्रिक ईथर हो या कीटोन हो, दोनों के कंडीशन में क्या होंगे, दोनों एल्किल ग्रुप क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है ना, सपोज दैट हम सिमेट्रिक के कंडीशन को उठाते हैं, सिमेट्रिक कोई भी ले लेते हैं, सपोज दैट ईथर, इसके कंडीशन में अगर देखेंगे तो इसमें क्या होगा, एल्किल जो होगा R इसको डिनोट करते हैं, O रहेगा और R दोनों सेम रहेगा। ठीक है ना, या कीटोन की अगर बात करें तो वहां पे क्या हो जाएगा, R सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड R। ठीक है, R क्या होता है, यहाँ पे R को एल्किल बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, एल्किल बोला जाएगा। ठीक है ना, R को एल्किल बोला जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं हम, यहाँ पे R है यहाँ पे R है, तो एल्किल होता है R इज इक्वल टू एल्किल, और एल्किल क्या होते हैं, एक तरह से एल्किल क्या होते हैं, एल्किल क्या होते हैं, नंबर ऑफ कार्बन, क्या होते हैं भाई, नंबर ऑफ कार्बन। तो यहां पे क्या है, एल्किल लिखा हुआ, तो एल्किल जब भी कोई भी सेम टाइप कराएगा तो उसको सिमेट्रिक कहेंगे, और अगर सेम टाइप के रहेंगे चाहे एल्किल हो चाहे कार्बन का कोई भी, उसमें मिथाइल एथाइल कुछ भी हो, नंबर ऑफ कार्बन, तो उसी के अकॉर्डिंग लिखते हैं। जैसे दो एल्किल है तो दो के लिए क्या लिखेंगे, डाई, क्या लिखेंगे, डाई, क्लियर है, प्लस कर देना होगा डाई, दोनों का नाम एल्किल है तो एल्काइल, एल्किल बोलो या एल्काइल। ठीक है, प्लस ये है ओ, ओ को ईथर से डिनोट करते हैं नाम से, इसके फंक्शन ग्रुप ओ, तो इसका नाम हो जाएगा ईथर, नाम क्या हो गया, इसको हम लिख सकते हैं डाई एल्काइल ईथर, डाई एल्किल या एल्काइल ईथर, चलिए लिख लीजिए, ऐसे ही लिखा जाएगा इसको, ये कॉमन नेम है, ऐसे लिखते हैं इसको। ठीक, इसके लिए क्या होगा, डाई दो है, एल्किल यहाँ पे भी, एल्किल यहाँ पे, दोनों सेम टाइप करेगा तो डाई लिखेंगे, और प्लस दोनों एल्किल है तो एल्किल, और इसको लिखेंगे कीटोन, तो यह हो गया डाई एल्किल कीटोन, कौन सा टोन, कीटोन। ठीक है, डाई एल्काइल कीटोन, ये रहा एग्जाम्पल किसका, सिमेट्री का, सिमेट्रिक एल्किल के, सिमेट्रिक के एग्जाम्पल है। ठीक है, अब एल्काइल के जगह पे कुछ भी लिख दो, चलो भाई देखते कैसे, बहुत इंपॉर्टेंट भी है समझना, ये बहुत से लोगों को प्रॉब्लम आती है। जैसे मान लिया
अगर लिखा हो सी एच थ्री और यहाँ पे लिखा हो ओ, यहाँ पे सी एच थ्री, ठीक है ना भाई? दो कंडीशन आ गया, एक तो एल्काइल वाला कंडीशन था, वहाँ पे आर आर था तो वहाँ पे डाई करके लिख लिए थे, यहाँ पे भी सेम जैसा ही है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मिथाइल है, दोनों एक जैसा है तो इसको लिख देंगे मेथ मेथिल है, ठीक है ना? प्लस यहाँ पे ईथर लिख देंगे, पहले सिंपल ऐसे कर लेना। फिर उसके बाद आपको पहचानना होगा क्या है, ये दोनों सेम जैसे हैं, अगर सेम जैसे हैं तो डाई लगा देना होगा, आगे क्या लिख देना होगा, डाई, डाई मिथाइल ईथर हो जाएगा इसका। ओके चलिए, ऐसे क्या कीटोन का लिख सकते हैं? बिल्कुल, सी एच थ्री सी ओ सी एच थ्री, याद रखना ये जो नेम है ये आईओपीसी नेम नहीं है, ठीक है, कॉमन नेम है, एक तरह से समझेंगे इसको, ठीक है, कॉमन नेम है, आईओपीसी में थोड़ा अलग होता है। तो अभी ये सी एच थ्री दोनों सेम है तो सेम के लिए डाई लिखेंगे, दोनों का नाम मिथाइल है तो मेथाइल, और यहाँ पे प्लस करो या डायरेक्ट लिख लो कीटोन, क्लियर है ना? क्वेश्चन एक लिखना है आपको, आ गया समझ में? ओके ठीक है, तो अब आगे लिखना होगा, मान लिया कार्बन का नंबर बढ़ा दिया जाए इस तरह से, सी एच थ्री सी एच टू सी, यहाँ पे ओ कर दिया, यहाँ पे सी एच टू सी एच थ्री कर दिया, ये दोनों में कंडीशन में क्या है, दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है तो यहाँ पे हो जाएगा डाई, प्लस ये दोनों एथाइल है, ये भी एथाइल ये भी एथाइल, क्या लिख देंगे बोलो भाई? एथाइल प्लस ईथर है तो ईथर के लिए क्या लिखना होगा, ईथर एज इट इज ईथर लिख देना होगा, नाम क्या हो जाएगा, डाई एथाइल ईथर, ठीक है, इस तरह से लिखते हैं, क्लियर हुआ? ओके, अगर नहीं क्लियर हुआ हो तो आप उसको अच्छे से ध्यान दे देना। ठीक है, आगे कीटोन रहेगा तो कीटोन हो जाएगा। चलिए कंडीशन देखते हैं अनसिमेट्रिक का, अब नेक्स्ट हेडिंग डालना होगा अनसिमेट्रिक, छोटा सा पॉइंट करके अनसिमेट्रिक, अनसिमेट्रिक, ऐसे में अनसिमेट्रिक ईथर हो या कीटोन हो, ठीक है। चलिए अनसिमेट्रिक, अनसिमेट्रिक के कंडीशन में क्या हो जाएगा, दोनों अगर एल्केल या कोई कार्बन नंबर जो होगा वो डिफरेंट टाइप का हो तो उसको क्या कहेंगे, अनसिमेट्रिक कहेंगे। कैसे कहेंगे, जैसे मान लिया आर ओ आर डैश लिखा हो या आर वन लिखा हो, ठीक है, यहाँ आर वन आर टू लिख सकता हो, कुछ भी मतलब चेंज रहना चाहिए, ठीक है। इसी कंडीशन में अगर आर सी ओ और आर डैश लिखा रहा है तो वही चीज ये कीटोन के लिए हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनसिमेट्रिक, ठीक है ना। अगर फॉर एग्जाम्पल इसी का अगर हम देखें सी एच थ्री ले लेते हैं, जैसे सी एच थ्री ओ सी एच टू ले लेते हैं और सी एच थ्री ले लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखो देखो यहाँ पे और इसमें दोनों में डिफरेंट हो गया, जैसे आर आर डैश था, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, पहले इसको लिखेंगे, नॉमेनक्लेचर लिखते समय सबसे पहले ध्यान देना होगा कि कौन सबसे पहले आ रहा है, प्रीफर करेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इंग्लिश का जो अल्फाबेट होता है ऐसा, इसमें लिखेंगे मेथ मिथाइल, इसका नाम क्या होगा, एथाइल, ठीक है। ओके तो क्या करना पड़ेगा, पहले एबीसीडी का अल्फाबेट गिनो, आपने बचपन में पढ़ा होगा, तो पहले पहले क्या आएगा, इसमें एम आएगा कि ई आएगा, तो पहले क्या आएगा, ई आएगा, तो ई से लिख लेना, पहले लिखना होगा एथाइल प्लस, इसको लिख देना होगा, लिखना होगा मेथाइल, और ये होगा कीटोन, इसको लिख देना होगा प्लस की सॉरी ईथर है, ईथर, तो नाम हो गया क्या, अब इसमें डाई नहीं लिखा जाएगा क्योंकि सेम टाइप का नहीं है, डिफरेंट टाइप का, ठीक है, तो इसमें लिखेंगे एथाइल कॉमा मेथाइल, ठीक है, ईथर, वेरी सिंपल। इसके लिए भी ऐसे लिख सकते हैं ना, यहां पे लिख दिया सी एच थ्री सी ओ सी एच टू सी एच थ्री, वही सेम चीज लिख दो, यह एथाइल है, पहले लिख देना होगा एथाइल, इसको लिख देना होगा कॉमा करके मेथाइल, इसको लिख देना होगा, बस वहां ईथर है तो यहां पे कीटोन कर देना होगा। अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो, ठीक है ना, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दो।
उनका भी मदद भी हो सके। ओके चलिए आगे आगे चीज देखना है कि अगर नंबर ऑफ कार्बन बढ़ा देंगे तो क्या होगा। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, नंबर ऑफ कार्बन अगर बढ़ा देंगे इसमें तो सेम टाइप का हो जाएगा, CH3 कर देंगे तो सेम टाइप का होगा। तो ये कैसा हो गया, सीमेट्रिक टाइप का, जो पहले बताया था वैसा सीमेट्रिक। तो आप लिख सकते हो यहाँ डाई हो जाएगा, ये हो गया, दोनों हो जाएगा तो एथाइल हो जाएगा, डाइथाइल कीटोन हो जाएगा। क्लियर है ना। तो ये है हो गया सिमेट्रिक टाइप का, पहले जैसे बताया था थोड़े इसके थोड़ी देर पहले जो बताया था। क्लियर है ना। तो इस तरह से भाई लिख सकते हैं आप। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर भी करें, चैनल को शेयर करें और लोगों तक ज़्यादातर इसको आप पहुँचाएँ, बताएँ, शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।